हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, तो वो हम यहाँ आज जानेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ वाक्य होता है हमारा, और प्रश्नार्थ वाक्यों का फॉर्मेट जो फॉर्मूला है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ देख लेते पहले। तो इसका स्ट्रक्चर है हमारा, आज का फॉर्मूला है सबसे पहले हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल वो आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है वो आएगा, प्लस और की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर, और उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है वो आएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल, उनको नहीं भूलना है। अगर हेल्पिंग वर्ब को भूल गए तो हमारा ये कोई काम करेगा नहीं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले के बाद में हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे सेंटेंस की तरफ हम टर्न आउट हो सकते हैं। तो सेंटेंस को हम देखें तो क्या तुम्हारे पापा कल तुम्हारे लिए चॉकलेट लाएंगे, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इसको किस तरह से हमको बनाना है तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कर्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए कर्ता हो गया, लाएंगे हमारी क्रिया है, क्या लाएंगे चॉकलेट, तो ये कर्म, ये क्या है अन्य शब्द है, तो अन्य शब्द में लिख सकते हैं, या डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इसको चिन्ह सकते हैं। अब कैसे बनेगा, तो विल और शैल, तुम्हारे पापा यानी कि विल ही होगा, विल योर फादर, विल योर फादर, क्रिया क्या है लाएंगे, लाएंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे लाना यानी ब्रिंग, विल योर फादर ब्रिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स तुम्हारे लिए, फॉर यू टुमारो कल लिखा हुआ है इसके लिए, क्या अगले सप्ताह, क्या अगले सप्ताह तुम्हारे दादा यहाँ आएंगे, क्या अगले सप्ताह तुम्हारे दादा यहाँ आएंगे। तो अब इसमें कर्ता क्रिया की पहचान की हम बात करें तो यहाँ हमारे पास में तुम्हारे दादा ये कर्ता है, आएंगे हमारी क्रिया है, और यहाँ मतलब हमारा कर्म है। तो ये हमको इस तरह से यूज़ करना है। क्या अगले सप्ताह तुम्हारे दादा यहाँ आएंगे, तो विल योर, दादा की बात की है तो विल योर ग्रैंडफादर, विल योर ग्रैंडफादर कम हियर, यहाँ आएंगे तो कम हियर अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या नक्सलवादी अगले माह हथियार क्या नक्सलवादी अगले माह हथियार भेजेंगे। तो यहाँ एक नक्सलवादी के ऊपर सेंटेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कर्ता नक्सलवादी, भेजेंगे क्रिया, क्या भेजेंगे हथियार, ये हमारा कर्म हुआ, ये हमारा समय हुआ, अन्य शब्द में गिना जाएगा, पहचान है हमारी। अब
विल, नक्सलिस्ट यानी नक्सलवादी, नक्सलिस्ट, सेंड भेजेंगे, सेंड और सप्लाई पूर्ति करेंगे भेजेंगे, यहाँ पे सप्लाई वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। विल नक्सलिस्ट सेंड और सप्लाई वेपन्स, हथियार को हम क्या बोलेंगे, वेपन्स, तो WEAPONS वेपन्स, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, तो यहाँ नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक सेंटेंस हमारा बन सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, फोर्थ सेंटेंस, क्या वह है? क्या वह ये मैच जीतेगा? क्या वह ये मैच जीतेगा? तो ये हम किस तरह बनाएंगे, विल ही विन दिस मैच। देखो एकदम इजी था, इसके लिए कर्ता क्रिया की जरूरत नहीं बताने की पड़ी, लेकिन हम फिर बता रहे हैं, कर्ता क्रिया पूरा ये हमारा क्या, तो क्या वह ये मैच जीतेगा, तो विल ही विन दिस मैच। फिफ्थ, क्या क्या वे क्या हम आज शाम को गरीबों को खाना बांटने जाएंगे? तो यहाँ पर कर्ता क्रियाकर्म क्या होगा, हम, कर्ता क्रिया यानी कि हमारे पास दो दो क्रिया है, यहाँ पर जाएंगे और बांटने, ये भी क्रिया है, पर हमारे लिए मेन क्रिया सबसे लास्ट में होती है, वो ध्यान रखना है। खाना ये हमारा कर्म है और ये अन्य शब्द है, तो विल शेल यहाँ पर आएगा, वी है इसके लिए, शेल वी गो टू डिस्ट्रीब्यूट, हाँ वी शेल वी गो टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, किसके लिए, गरीबों को, शेल वी गो टू डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द पुअर्स टुडे इवनिंग, आज शाम को, तो टुडे इवनिंग। तो ये हमारे इस तरह से एक सेंटेंस हो गया, शैल वी गो टू डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द पुअर्स टुडे इवनिंग, आज शाम को हम क्या इसके लिए जाएंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ओके,